तेल जितने सब आएंगे ना सेमिनार में बच्चे सबको पकोड़ा और फ्रूट खिलाएंगे। अच्छा ओके Yeah.
कृष्ण तुम लोग बोलो जनार्दन प्रभु पढ़ कर गए पूरा तैयार करके आज सवेरे कौन कौन सवेरे कौन बोला था तुम दोनों बोले थे अभी दोनों बाकी है अरे तुम दोनों पंडित होते कौन बोलेगा आज अच्छा तुम कहो आशा तुम किसी कहो शेष रही बस कह आशा पंडित माइक दे क्या ललित तुम भी कुछ बोलोगे ललित बोलता है इसलिए बोलूंगा नहीं मैं बोलूंगा सब फेल हो जाएगा कल कल बोल तैयारी कर सवेरे तो सवेरे बोलना ठीक है ना सबसे पहले तुम्हारा नंबर आएगा इसमें क्या चालू है ना क्या चालू चल रहा है उधर उधर कर दो हरी बोल मुफली तेल उद्धार किया और पूछना के उद्धार का जो कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर बड़े सुंदर अपने स्तन में ऐसे मुझे मतलब मुझे छोड़ दो ऐसे कहते हुए ठाकुर जी को आकाश मार्ग में लेके एक जगह से गिरा और इसको देखते हुए ब्रजवासी सब उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं सब ब्रजवासी जब पीछे पीछे दौड़ते हैं तो देखते हैं बहुत विराट एक पर्वत के स्वरूप जो पूतना जगह पे दशमती माता और कोई बस उसको फल से उस बगीचा से फल फूल ग्रहण कर सकते हैं और बाकी जितने ब्रजवासी है वो ग्रहण नहीं कर सकते इसलिए जो मैं यहाँ पे उसी जगह पे क्यों गिरा है तो गुरुदेव इसका जो उत्तर गुरुदेव इसके बारे में बता रहे थे कि जो माया देखते हैं जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता है जो फूल ठाकुर जी के ऊपर नहीं सज सकता है बस भोग पूर्ति के लिए यूज करते हैं वहाँ पे जो माया क्या करते हैं सबको नष्ट कर देते हैं इसीलिए वहाँ पे जो माया देवी ने पूतना को वहाँ पे गिराया जो माया देवी से छुपा दिया फिर यहाँ पे जब पूतना गिरा उसका बहुत विशाल शरीर था तो एक एक जो अंग को लेके एक एक वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद कि उसका दांत कैसे था कि उसका दांत जो दांत था वो लंगर के स्वरूप था जिसमें खेती करते हैं हल करते हैं और उसका नासिका बहुत बड़े बड़े गुफा के जैसे था जैसे पर्वत में रहता है जैसे गुफा की था और उसका जो तन था वो कैसे था कि पूरा पर्वत का कोई शिखर हो पूरा पर्वत का कोई जैसे शिखर हो और उसका जो केस था वो तमाल बना था ताम्र बना था और यहाँ पे बता रहे हैं कि उसका जो आंख था वो अंधे कुआं के समान उसको तुलना किया गया मानो वो अंधा अंधा कुआं है और उसका जो नाभि मंडल था नाभि था उसको जैसे जल शून्य था तो इसे बहुत सारे उदाहरण देते हुए उसके पूरा का पूरा अंग को यहाँ पे बता रहे हैं फिर इसके बाद इन सब लोग ने देखे कि पूरा पूतना के ऊपर ठाकुर जी अभी 6 दिन के है ठाकुर जी बालक रूप में है वहां पे ठाकुर जी खेल रहे हैं पूतना का अभी बध हो चुका है तो ये सोच रहे हैं कि इससे तो पहाड़ के जैसा है इसको चढ़ेंगे थे कृष्ण को लाएंगे कैसे तब वहां ने उन्होंने ब्रजवासी लोग ने वहां पे एक सीढ़ी का बंदोबस्त किया और वो सीढ़ी से धीरे उठ रहे हैं मतलब धीरे उठ रहे हैं सोच रहे हैं कि अगर ये पूतना अगर
बाई चांस अगर उठ जाए तो पूरा का पूरा तो भजवाती सोच रहे हैं कि पूरा अगर वो घुसना कर गया तो पता नहीं क्या हुआ। तो इतने में वो लोग धीरे 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 जैसे जैसे करके ठाकुर जी को नीचे लिया। और ठाकुर जी को जब नीचे उतारा गया फिर क्या करते हैं जो ब्रजवासी सोचते हैं कि तो अभी 6 दिन के ही है, हो सकता है ये बहुत बड़ा राक्षसी भूत प्रेत ही होगा, इतना शरीर इतना बड़ा विस्तृत शरीर हमने तो पहले कभी नहीं देखा। तो सब ब्रजवासी मिलकर ठाकुर जी को पवित्र किया। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं उस लोग कि गोमूत्र ने स्नापित्य पुनर्गोर सर्वम रक्षाशम गोमूत्र गोमूत्र होता है अत्यंत पवित्र वस्तु होता है, उसको वहां पे क्या ठाकुर जी को गोमूत्र में पहले स्नान किया, फिर शुद्ध स्नान करवाया, फिर गोरज जो गाय का जो रज होता है उसको लेके भगवान के द्वादश नाम लेके द्वादश अंगे में नाम, जैसे हम द्वादश तिलक करते हैं एक एक तिलक का केशव नौ नारायण नौ महात्मा गोविंद करके जो दामोदर द्वादश तिलक का जो नाम है उसी प्रकार यहाँ पे गोपी लोग भी गोपी में भी ठाकुर जी का द्वादश अंग में वो गोरज को तिलक करते हुए उसको बोल रहे हैं कि इंद्रियाणि ऋषिकेशम प्राणान नारायणम वतु स्वेत दीप पति चेतन मन्ने जोगेश्वरम वतु कि यहाँ पे स्तुति करते हुए बोलने की आपके ये अंग को इस देवता रक्षा करे, आपके इस अंग को इस देवता रक्षा करे, ऐसे एक एक नाम लेके द्वादश अंग का द्वादश मंत्र पढ़ के उन्होंने ठाकुर जी को तिलक कर रहे। अब यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो भगवान से गुरुदेव बता रहे थे भगवान से भगवान का नाम कितना बड़ा है और भगवान को अभी रक्षा करने के लिए भगवान का नाम का आश्रय लेना पड़ रहा है। गुरुदेव बता रहे थे कि नाम न सके राम न सके नाम गुण गाए कि नाम का इतना महिमा है कि राम जी भी वो गुणगान करे तो उनका गुणगान नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पास प्रश्न किए कि पूतना को भगवान ठाकुर जी ने 6 दिन में ही क्यों वध किया, तो इसका उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं उत्तर देते हुए कि पूतना जो थी वो बहुत सुंदर रूप में आए थे, इसलिए इतना सुंदरी रूप में आया था इसलिए उनको देख के कोई मना नहीं कर सका, किसी ने भी उसको मना नहीं किया कृष्ण को लेने के लिए, कृष्ण को वो झट करके बाहर ले जाते हैं। और गुरुदेव के मुख से हम श्रवण किए हैं कि यशोदा माता भी जब पूतना को देखते हैं कि बोलते हैं कि मैं तो अब बूढ़ी हो चुका हूँ शायद यही है उसका वास्तव में माता, इतने सुंदर लाला का यही माँ हो सकता है, तो उन्होंने भी मना नहीं किया। तो जो मूल कारण है जो श्रुति का होता है, श्रुति का जो होता है हमारे उड़ीसा में उसको एक नाम से बोलते हैं तुड़ीसा, तो वहां पे उसको बच्चे को 21 दिन तक रखा जाता है, फिर 21 दिन के बाद पहले तो 6 दिन में नाभि छेदन संस्कार इत्यादि इत्यादि होता है, फिर 21 दिन में एक संस्कार होता है हमारे उड़ीसा में होता है श्रुति का ग्रह में, फिर 21 दिन के बाद ही जो भी हो तो जो शुक्ति का ग्रह है तो उसमें 21 दिन में क्या होता है तो पवित्र किया जाता है। तो यहाँ पे ठाकुर जी सोच रहे हैं कि ठाकुर जी के जितने भी परिकर सब कौन है ना ब्रज ब्रजवासी करने, अब ये ब्रजवासी जानते हैं कि कृष्ण जो यशोमती माया के घर में एक सुंदर सा लाला कृष्ण अब जन्म ले चुके हैं, अब इनको भी उनके भीतर उत्साहित है लाला ही थे कि कृष्ण को ये देखे। अब यहाँ में मैया यशोदा और श्रुति का ग्रह का वो पालन वो विधि करते किसी को दिखाने नहीं देते, इसलिए कृष्ण भी क्या किया अपने भक्तों को खुद दर्शन देने के लिए, जब भक्त लालायित हो जाते हैं ठाकुर जी बाहर आके स्वयं दर्शन देते हैं, तो खुद दर्शन देने के लिए कृष्ण ने क्या किया ये सब लीला किया कि पूतना आए और पूतना को ठाकुर जी ने प्राण उसके जब स्तनपान करते हुए उनका प्राण भी श्वसन किया और पूतना सोचने लगी किसी तरीके से मैं अगर यही लगता है कम से का कारण हार यही लगता है कम से का शत्रु किसी तरीके से मैं अगर आकाश मार्ग से बाहर उड़ जाऊं तो कम से इसको देख के मार गया, तो वहां से वो अपने विराट स्वरूप जो असली स्वरूप राक्षसी स्वरूप को प्रकट होकर वो उड़ने लगा
अब जब उड़ने लगा जगह पे गिरा वहां पर सब ब्रजवासी एकत्रित हो गए, ठाकुर जी का बड़े सुंदर दर्शन किया। यही वास्तविक अर्चा कृष्ण ने 6 दिन में उतना का वध किया। और यहाँ पे नंद बाबा इसके बाद में तुम कहते हो था उनको तो अभी जो बच गया वो बोले और ताली हो जाएगी। जब इतना जो सर में जहर लगा करके ठाकुर के पास आई तो इतिहास आया थी, मतलब जो मारने के लिए आई थी और वहां पे भगवान ने उसको धातु उचित गति प्रदान किया। धातु उचित मतलब धातु मतलब धाई, तो धाई की जैसा उन्होंने उसको पद दिया, कहाँ पे दिया, अपने स्थान में अपने निज धाम में। तो ये धातु उचित मतलब क्या है, जैसे तो जो माँ की जो उसको वर्ष में सभी माताएं हैं तो माओ की अनुगत में सन्निधि से रह करके जो जो राजा महाराजा लोगों की तरह से काम करते हैं ऐसे धाई लोगों के भी जो अनुगत में रहने वाले जो ब्रज में जो यशोदा माँ के पांचवा घनिष्ठा और अंबिका आदि जितने भी धाई लोग थे उनके सन्निधि में रह करके जो उनके आज्ञा को पालन करके कृष्ण के वास्तविक प्रेम को आस्वादन करने वाले ऐसा प्रेम श्लोक कौन सा श्लोक है उसमें जो उनका अंदर में क्या क्या गुण था फिर भगवान किस पर हाँ याद है कि नहीं, इसलिए जब आओ देख कर करना चाहिए ना। पढ़ तुम बोल सकते हो बोलो उस श्लोक साथ में क्या गुण थे, उसमें क्या अपगुण था भगवान उसको क्या गुण थे, जब आओ पढ़ कर आओ ना सारा दिन क्या करते हैं थोड़ी सी हाँ बोलो। तो गुरुदेव ने एक श्लोक के माध्यम से बतलाया था, उतना लोग बालाकी राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासयापि हरये स्तनम दत्त्वा अपय सर्वदु। इस श्लोक के अंदर बताया कि गुरुदेव किस प्रकार पूतना के अवगुण क्या क्या थे। सबसे पहली बात तो पूतना, पूतना अर्थात वो अपवित्र थी। फिर लोग बालाग्नि बच्चों का खूनपान रुधिर पान करने वाली थी, अपवित्र थी। राक्षसी और रुधिरासना वो ठाकुर के लिए क्या लेकर आई थी, जहर लेकर आई थी। लेकिन उसको मारने के लिए आई थी किस उद्देश्य से, ठाकुर को मारने के लिए आई थी, किंतु भगवान ने उसको भी गोलोक वृंदावन में धातुरोचित गति दिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कंपेयर करके बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनका प्रिय वस्तु लेकर आए उतना जहर लेकर आई थी, किंतु यदि कोई खाली हाथ में ठाकुर घर में आए या फिर ठाकुर की प्रिय वस्तु लेकर आए, प्रियतर वस्तु लेकर आए या प्रियतम वस्तु लेकर आए तो उसको ठाकुर क्या प्रदान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में बताया कि वह क्या थी, राक्षसी थी। लेकिन यदि कोई ठाकुर भक्त हो, अविभक्त हो तो उसको क्या नहीं दे सकते। यदि कोई भक्त के अंदर भी विचार भी बताते हुए कह रहे हैं कि यदि कोई वैदिक भक्त हो
या फिर यदि कोई राग हो उससे भी उत्तम क्या है, यदि कोई राग मार्ग का भक्त हो, राग मार्ग के भक्त के अंदर भी यदि कोई सखा हो या उस वात्सल्य रस के अंदर हो तो उसकी क्या गति होगी, उसी प्रकार बता रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर और बताई थी कि जिंगाशया अपि जिंगाशया अपि हरय, हरय अर्थात भगवान के हरय शब्द का प्रयोग करते हुए श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान के अनेक अनेक अवतार तो है, मत्स्य कूर्म इत्यादि अवतार भी है, किंतु भगवान के अनेक अवतार होने पर भी यदि कोई कृष्ण की प्रीति करे तो भगवान उसे क्या नहीं दे सकते। मारने वाले को भी इतना उच्च स्थान दिया यदि, तो यदि कोई उदासीन होकर आए मंदिर में, या यदि कोई थोड़ी श्रद्धा पूर्वक आ जाए, या यदि कोई प्रीति युक्त आए तो उसको क्या नहीं देंगे। यहाँ पर शुक्र गोस्वामी बता रहे कौमुदिक न्याय, कौमुदिक न्याय अर्थात कोई व्यक्ति यदि 10 किलो वजन उठा सकता है तो निश्चय की बात है वो 5 किलो तो उठा ही लेगा, है ना। ऐसे ही बता रहे कि यदि कोई टूटना राक्षसी थी, इतने सारे अवगुणों को लेकर ठाकुर के पास में आई तो उसकी इतनी अच्छी गति हो गई है, तो यदि कोई प्रीति भाव से आ रहा है, ठाकुर का भजन करने के उद्देश्य से आ रहा है, तो उसकी तो अच्छी गति होगी ही होगी। इस प्रकार से शुद्ध गोस्वामी ने ये कौमुदिक न्याय बताया। और अभी यहाँ पर वो स्वयं ही प्रश्न उठाते हो, एक चीज और यहाँ कृष्णाचार्य ठाकुर टीका में बतला रहे हैं कि उतना अपने स्तन में जहर लेकर आए थे और उसको भी ठाकुर जी ने पान किया, किंतु जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों का और सखाओं का हरण कर लिया तब कृष्ण स्वयं ही बछड़े और सखा बन गए, और जो मातृ स्तन या गोपियां थी ब्रज में उनके स्तन को पान किया। कितना सुंदर विश्वनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं कि जब एक बछड़ा स्तन पान करता है अपनी माँ का गौ का, तो कैसे पूंछ उठाते हुए भागते हुए जाता है, कान खड़े करके और गाय के स्तन में अपना सिर मारता है, और माँ का हृदय जो है वात्सल्य में पूरा भर जाता है, गाय उसको चाटने लगती है और चाटते चाटते फिर उसके स्तन से दूध झरने लगता है, तब जाकर वो पान करता है उसका। और अभी जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चोरी किया तो कृष्ण साक्षात बछड़े बन गए, तो कितना आनंद होता होगा उन गाय को जिनका स्तनपान कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। जो मातृस्तनीय गोपियां थी ब्रज के अंदर उन्हें कितना आनंद होता होगा जिसके स्वयं कृष्ण पालक बन गए हैं। तो यदि पोतना की इतनी अच्छी गति हुई है तो उन गोपियों की कैसी गति होगी, ऐसा विश्वनाथ ठाकुर ने बताया है। और यहाँ पर प्रश्न उठाया था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, आप लोग सब कथा अंधेर नगर चौपट राजा टकाशेर भाजी टकाशेर खा जाना, ठीक से यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं, गुरुदेव ने गुरुदेव से श्रवण किया था कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और टीकाकार कह रहे हैं कि भगवान का एक ऐसा न्याय है कि वो एक पुतना को जो कि उनका वध करने आए थे उनको इसकी जरूरत नहीं है, हाँ सुन लेता हमारी नहीं लग रहा कि जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे वो पूतना ठाकुर जी का जहर लगाकर वध करने आई थी और इसको भगवान ने दहाई चीज कर दी, बल्कि की दहाई चीज जैसे दहाई कैसे होती है जो माता यशोदा के अंडर में जो सेवी की सेविकाएं काम करती है, आवाज आ रही है पीछे तक, हाँ भूख जा रही है तो तो इसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान स्वयं कह रहे कि मैंने दहाई चीज जैसी गति प्रदान करी, दहाई चीज नहीं बनाया। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि इसके लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये भगवान आपका कैसा न्याय है कि आपने जैसे पूतना मार लिया थी उसको तो दहाई चीज गति प्रदान कर दी, और जो जो स्वयं गोपियाँ आपको इतना आनंद प्रदान करती है, गाय है उन्होंने आपको दूध, जैसे प्रभु जी ने बताया कि तो उनको आप क्या प्रदान करोगे, जब आपको उसने पूतना भी आपने उनकी गति प्रदान करी तो आपके तो जो ये लीला है तो ऐसी होगी अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खाजा। तो यहाँ पे गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं कि एक बार गुरु और चेला दो जने थे और ये एक नगर से भ्रमण करते हुए जा रहे थे,
तो जब वे भ्रमण करते करते एक नगर में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर सभी वस्तुएं एक ही रुपए किलो पे है या एक ही रुपए की है। कुछ भी ले लो, रबड़ी ले लो वो भी एक रुपए किलो, रसगुल्ले ले लो ये भी एक रुपए किलो, रसमलाई ले लो वे भी एक रुपए किलो। कुछ भी आप मैंने कि जो भी आप अच्छी चीज सोच सकते थे या बुरी चीज सोच सकते, लकड़ी गोबर है वो भी एक रुपए किलो ही है। तो गुरु तो भाई गुरुदेव तो साक्षात भगवत तत्व है, तो परम ज्ञानी है, सब कुछ जानने वाले है। वे लोग कह रहे जिस राज्य में ऐसा हाल होगा उस राज्य का जो चलाने वाला शासक राजा होगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। उसे पता ही नहीं कि किस वस्तु का क्या महत्व है और उसको किस प्रकार चलाया जाए। उसने तो एक तरफ से गधे घोड़े से बराबर कर दिए कि किस तरह से इनको चलाना चाहिए। तो यहाँ पे रहना चाहिए कि ये यहाँ पर सिर्फ संकट का ही कारण है। तो चेला कहने लगा गुरु जी देखो मैं तो दो चार दिन रुक के इस जो मूल्य है इनका आनंद लूंगा। इसमें हमें क्या थोड़ी सी अपनी सेहत सी बना के घास पात कर वहां से कटा के चेरा जब वो अम्मा नोटे अच्छा तो तुम मन नहीं चले नहीं थोड़ी सी दिन तो रुक जान दो। तो गुरुदेव ने कहे ठीक है मैं तो जा रहा हूँ मैं तो नहीं रुकूंगा, परंतु तुझे कह रहा हूँ अगर कभी किसी परेशानी में फंसा तो तुम मुझे याद कर लियो और मैं तत्काल ही आ जाऊंगा। ठीक है वो तो गुरुदेव मैं अपना देख लूंगा, आप जाओ जैसे कुछ छोड़ मैं बता दूंगा आप पर जाओ मुझे यहाँ रहने दो। ठीक है तो गुरुदेव तो आगे चले गए उनके भाई विशेष कोई जरूरत हो तो मैं भी याद करना, विशेष कोई जरूरत हो तो मुझे आप याद कर लेना और मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो ठीक है गुरुदेव मैं कर लूंगा वो मेरा काम है आप चले जाओ। तो गुरुदेव तो आगे चले गए और बस वो क्या था वो तो स्टार्ट हो गया। एक ग्रुप में वो दो पर लिया था वो तो एक ग्रुप में रसमलाई लाए रबड़ी लाए जो भी कुछ महंगी से महंगी चीज सब कुछ चीज वही लाए ग्रुप में। तो और बस जैसे एक दो महीना बीतता वो तो ठाड़ा हो गया बिल्कुल ठाड़ ठीक है बिल्कुल। गुरुदेव बताते हैं लंबा चौड़ा बिल्कुल छह फुट का बिल्कुल अलग ही होता वो उस राज्य में बिल्कुल अलग ही दिख रहा था वो जैसा कोई और था ही नहीं देखने में। हाँ बस ठीक है तो एक दिन क्या हुआ फिर तो लीला होनी थी भाई गुरुदेव की जब उसने बात नहीं सुनी अलग क्या कर दी फिर तो फंस नहीं था। फिर क्या हुआ फिर एक दिन की बात है कि एक बुढ़िया के यहाँ पर चोरी हो गई और वो बुढ़िया को थोड़ा कम कुछ दिखा था कि शाम का समय था अंधेरा समय था। तो वो राजा के यहाँ शिकायत करने गई तो राजा ने पूछा कि वो देखने में कैसा नुकी जी को साफ साफ तक दिखा नहीं पर हाँ लंबा ठाड़ा चौड़ा सा था भाई और इतना पीछे से देखा मैंने अच्छा। तो बस ठीक है सिपाहियों को लगा दिया भाई जैसे ये माता जी बता रही है लंबा ठाड़ा छोटा सा देखो हमारे राज्य में कौन है ना पकड़ रहे बस देखा कि वही फंस गया उसे ही सही काम हो गया या तो ऐसा खास मान मैंने ऐसा खाया कि जो तो गड़बड़ होगी। अब जब राजा के दरबार में लाया गया तो राजा ने तो सीधा आदेश था भाई वही है उसे तो उसे क्या सुननी थी। जब वो राजा ही ऐसा था कि अंधेर नगरी चौपट राजा ही था वो तो उसे क्या सुननी थी उन्होंने कहा चढ़ा दो सुन ली पाए वो लोग अंतिम इच्छा तो कुछ होगी। हाँ तो ये बात नियम है भाई अगर किसी को मारने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूरी करे हाँ आपकी अंतिम इच्छा क्या उन्होंने पूछी तो उन्होंने कहा कि बस जो कर आप करोगे कर लो बस मेरे एक बार गुरुदेव को आप बुला दो। लोग कहाँ पे आपके गुरुदेव लोग यहीं थोड़ी सी दूरी इस जगह स्थान पर रहते हैं ठीक है उनके गुरुदेव को बुला गया। तो जब गुरुदेव उनका है तो मैंने तुझे पहले बोला था ना तो मैं सुनी तो नहीं अब मैं सुनी तो फंस गया ना नुके जी गुरुदेव आप मुझे क्षमा करो। वो गुरुदेव के चरणों में ले लिया दंड कराया माफी मांगी जब उसने अपना पश्चाताप किया तो गुरुदेव तो करुणा में दयालु में है वो उनको बच्चे पर तरस आ गया। उन्होंने कहा ठीक है अब जैसे मैं कहता हूँ तू ऐसा सुन और उसको वैसे ही करना ठीक है। तो उन्होंने आपस में बात करी तो फिर दोनों लड़ने लगे आपस में भाई आज फांसी में मैं चढ़ूंगा और आज फांसी में मैं चढ़ूंगा आज फांसी में मैं चढ़ूंगा। तो गुरु वो जो राजा था वो देख रहा यूँ का तमस्य हो गया तो मिलने के लिए बुला गए दोनों को लड़ने स्टार्ट हो गए। नुके रहो क्या हो रहा है नुके क्यों लड़ रहे हो नुके राजू जी आप बीच में मत बोलो आपको तो फांसी चढ़ाना ना हम मुझे कोई भी चढ़ जाएगा तो चढ़ने नुके पहले मुझे बताओ क्यों लड़ रहे हैं मेरे दरबार में क्यों लड़ रहे। अच्छा तो उन्होंने बताया गुरुदेव ने बताया उनके जो चेले के गुरुदेव ने बताया नुके राजा जब मैं आया ना तो मैं पंचांग देख के आया था आज का दिन और दिन में इस समय का मुहूर्त बस जल्दी खत्म ही होने वाला है मुहूर्त इस मुहूर्त में अगर जो भी कोई मर गया वो सीधा स्वर्ग जाएगा नुके चाहो किसी प्रकार भी मर जाओ नुके अच्छा नुके
फिर राजा तो दिमाग घूम गया भाई, चौपट राजा था ही हो, उसे क्यों पता है इंतजाम मारने के पीछे पड़ रहे छह साल में अमृत जो राज है आज ही है, आज जो अमेरिका सीधा जाएगा वैकुंठ जाएगा, मैं स्वर्ग जाएगा। बोलो क्या स्वर्ग जाएगा जी, वैकुंठ कहाँ जाया जा रहा है? स्वर्ग जाएगा। वो लोग अच्छा, तो उसने कहा भाई मेरी माँ बूढ़ी है और मैं आलोरी, अब उसके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अब जब इतना स्वर्ग आ रहा भाई जीना पता नहीं, आज जीना कल को जीना खत्म हो जा, उसे आज ही निमटान निमट होगा स्वर्ग भेज दो जल्दी से उद्धार हो जाएगा, इनको भेजो यहाँ से। तो उन्होंने कहा तुम भागो यहाँ से, वहाँ चढ़ चढ़ा दो जो मैं करूँ, भागो यहाँ से। बस वे तो कहे गुरुदेव कहे चलो जल्दी जल्दी झपट ले, वे तो अपना चले गए। उस राजा ने क्या करा, बस अपनी माता को बुलाया, सूर्य बटान दिया, नहीं तो मेरी माता गई स्वर्ग, मैं स्वर्ग क्या वो तो गई तो गई। बस माता गुरुदेव ने सुनाई थी गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधो जगत्पते गोपी सह गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग इसको पहले पुतना वध की लीला हमने श्रवण की, इसलिए कृष्ण सर्वप्रथम उनने पुतना को वध किया है और भगवान राम सर्वप्रथम ताड़का को वध किया है। इसलिए दोनों प्रभु मानो एक ही लीला शिक्षा देते हैं। अगर मुझे कोई अपना हृदय में बैठना चाहते हो पहले पुतना को मारो और ताड़क को मारो। पुतना मतलब क्या, पुत मतलब होता है पवित्र और नाम मतलब होता है नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र जो गंधा है। ताड़क का मतलब क्या, बोले ताड़क अतिथि ताड़का, जो जीव को जो संसार को माया में जो भगाते रहे। इसलिए ये कौन है कहते ताड़का, संसार में कौन भगा रहे, कहते काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यही हमें संसार में भगा रहे हैं। इसलिए दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं, पहले हृदय की अनर्थ को दूर करो फिर मेरे को तुम बैठाना, ये अभी तक ये पाप है। हैं जैसे फू त ना तथे भी तीन अक्षर है, ता ड का ये भी तीन अक्षर, अपुतना भी स्त्री और ताड़का भी स्त्री हैं, ये दोनों है। प्रभु एक ही चीज शिक्षा देते हैं। हम लोग पहले सुना था यहाँ से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कथा सुनने का फल श्रुति किया है, क्या फल श्रुति है,
बोले गोविंद लभते रति, कहती है कथा को जो सुनेगा उसको गोविंद के चरण में उसकी प्रेम प्रकट होगा, उसके चरण में रति होगा। बोले क्यों, अगर भगवान पुतना को अगर इतने बड़ी पद दे सकते हैं जो मारने के लिए आए, अगर उनके पास में भक्ति पूर्वक थोड़ी सी कोई आए तो ठाकुर जी क्या नहीं देंगे। इसलिए इसको सुनने से बोले भैया हम और किसको भक्ति नहीं करेंगे, किसको भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे। क्योंकि कहते गुना अवगुण प्रभु देखो ना कहा, कहते जो ठाकुर जी किसकी अवगुण का प्रति ठाकुर जी कभी नजर नहीं देते। ठाकुर इधर सामने बच्चे बच्चे सामने, इसलिए ठाकुर जी कहते जीव को जो थोड़ी सी गुण है ठाकुर जी गुण का प्रति नजर देते हैं, हैं गुण का प्रति ठाकुर जी नजर देते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये कथा को हम लोगों ने पहले श्रवण किया। अब इसको बाद में कहते हैं बोले जेना जनावतारेण भगवान हरिश्वर करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च न प्रभु। यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज सुतो गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं बोले प्रभु कहते जैसे प्रथम स्कंध से लेकर के जैसे नवम स्कंध तक भगवान के अलग अलग अवतार की लीला सुने हैं, जैसे भगवान मत्स्य अवतार कुरुमा है मत्स्य कुरुमा वराह नृसिंह वामन बलराम बुद्ध कल्कि और विशेष करके भगवान की 26 अवतार की कथा तो हमें भागवत में कथा सुनाया। यद्यपि इनकी कथा प्यारा कथा है, इनकी कथा भी बड़ी सुंदर है, कैसे भगवान वराह अवतार में पृथ्वी को उद्धार किया, कुरुमा अवतार में समुद्र मंथन होते समय कैसे मंदारचल पर्वत गुण ने पृष्ठ को पर धारण किया, कैसे नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु को वध करके भक्त प्रह्लाद को रक्षा की, वामन अवतार में बलि महाराज के ऊपर उन्होंने कृपा किया है, रामावतार में रावण को वध किया है। इसलिए अपने भगवान की तो सुंदर सुंदर आपने कथा सुनाया, लेकिन हमें ऐसी कथा सुनाओ जो कथा सुनने पर अपने आप भगवान के चरण में प्रेम लग जाए, प्रीति लग जाए। अब जो कथा सुनने से जल्दी हृदय से ये जितने अनर्थ जल्दी से दूर हो जाए, और जिसको सुनने के लिए कहा तरस है। हमें अब ऐसे कथा सुनाओ, कहते वो ऐसे कथा कौन है, कहते भगवान की जो बाल्य चरित्र है, जैसे भगवान होते हुए भी कैसे साधारण बच्चे जैसे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे भगवान ऐसे जो लीला की, इनके बाल्य चरित्र को हमें श्रवण करने की कष्ट करी। इसलिए कह रहे हैं बोले जेना जेना अवतारण भगवान हरि ईश्वर, यदि यहाँ पर तीन नाम आया हरि भगवान और ईश्वर। पहले हम लोगों ने श्रवण किया था कहते भक्ति कितने तरह का भक्ति है, कहते भक्ति दो तरह का भक्ति है, कहते एक वैधि भक्ति और एक राग भक्ति है। इसलिए जो भगवान को वैधि भक्ति मतलब क्या है, शास्त्र शासन के अनुरूप। अगर ये मानव शरीर में भजन नहीं करोगे, क्योंकि ये 84 लाख जन्मों के बाद में ये जीवन एक बार ठाकुर दिया, ये शरीर भगवान बारंबार जीव को नहीं देते हैं। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर बड़े भाग मां न सतन पावा, बड़े भाग्य से जीवन मिला है, और इसी जीवन में ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कोई पशु पक्षी जानवर ये मानव शरीर सिवाय कोई प्रभु का भक्ति कर ही नहीं सकते, ठाकुर का कोई नाम नहीं जप कर सकते, ठाकुर को कोई कथा नहीं सुन सकते, ठाकुर को कोई सेवा नहीं कर सकते। जैसे घर से चल करके मंदिर तक आए और कोई गधे सुअर कुत्ते भी आया कथा सुनने में, कोई नहीं आया। यहाँ तक भी अगर कोई सुअर इच्छा कर घरे राधा गोभी तो गौरी मठ में भगवान की कथा कोई थोड़ा कथा सुनकर जाए, अगर गेट तक आ गया ना वहाँ जो बैठे हुए डंडे लेकर उसको भगाएंगे, उसको डंडे लेकर भगाएंगे, इसका मतलब है हाँ कोई कुत्ता भी आ जाए कोई गधा भी आ जाए घुसने देवे अंदर में सीढ़ी पर उठने देवे डंडे में आकर घुसाए भगाएंगे। इसका तात्पर्य ये मानव शरीर के सिवाय भगवान और किसी को ये सुजोग नहीं दिया जो कथा में आकर बैठ सके, तो लेकिन इंसान ही आकर के बैठ सकता है। और ये जो बात बोलेंगे कोई गधे कुत्ते सुन सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, धारण कर सकते हैं, कोई धारण नहीं कर सकते। इसलिए ये जीवन मानव शरीर नहीं, ये जीवन किया है ये मुक्ति का दरवाजा पर हमने 84 लाख जो भ्रमण करते करते कभी मानव शरीर नहीं
ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े। लेकिन ये जीवन पा करके फिर जो प्रभु का भजन करना नहीं चाहते, भक्ति नहीं करते हैं, फिर भगवान कहते हैं अरे साल तक पिटते रह जाओगे, लेकिन ये मान और शरीर भगवान तो बात नहीं देंगे, फिर तो ये पेड़ पौधा गधे कुत्ते होकर घूमते रहो, उसी जीवन में तुम भटकते रहो है। इसलिए वैदिक व्यक्ति उसके उससे कहते हैं शास्त्र की विधि विधान के अनुरूप है जो भक्ति करते हैं, सवेरे रोज उठो, हरिनाम करो, आरती करो, आनी करो, तिलक लगाओ, भगवान के नाम की जप करो, शास्त्र के विधि के अनुरूप जो काम करते हैं उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। इसलिए वो लोग कौन कहते हैं वैदिक भक्ति को, कहते जो जिसको जो भगवान को भगवान मानते हैं, हैं जो भगवान मानते हैं, लेकिन जो हरि कहते हरि मतलब जो मन को अपने आप जो हरण करे, इसलिए कहते जो राग भक्ति है कहते हैं वो कौन, राग भक्ति किसको कहते हैं जो स्वाभाविक रूप में बिना चित्त लगाए अपने आप जो मन भगवान के चरण में लग जाए, इसको कहते हैं राग भक्ति है, हैं इसको राग भक्ति कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान जैसे जैसे अवतार में भगवान ने जो हरि ईश्वर और भगवान की जो लीला किया है, हमें ऐसे कथा सुनो कथा के करोति कर्ण रम्याणी मन ज्ञानी चन प्रभु, हमें ऐसे कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने पर कान को बड़े बढ़िया लगे, कान को रमणीय लगे, मन कान को बहुत अच्छे लगे, हमें ऐसे भगवान की प्यारी प्यारी कृष्ण की सुंदर सुंदर कथा सुनाओ। बोले इसको सुनने से क्या होता है, बज्जत श्रीनत अपैति रति वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति चिरेण पुंसम भक्ति हरौ तत् पुरुषेण सख्यम तदेव हारम बदमन्यस चेत। इसलिए कहते हैं जिस कथा को सुनने पर जत श्रीनत अपैत वितृष्णा, जिनको कथा सुनने पर क्या होगा, भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनते सुनते हैं, ठाकुर की सुंदर सुंदर कथा सुनते सुनते, कहते जथा जथात्मा परिमृचत असो तत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानम तथा तथा पश्यति वस्तु सुखमम, कहते जितना परिमाण में जो मन भगवान के चरण में लग जाएगी, उदाहरण देते हैं जैसे आंखों में आंजन लगाने से क्या होता है, आंखों का दृष्टि शक्ति बढ़ती, काजल लगाते ना आंखों में, लगाने पर आंखों की जो काजल लगाने पर आंखों की जो दृष्टि बढ़ती है, दृष्टि शक्ति बढ़ती है। कहते जब भगवान की तुम कथा सुनोगे, अभी जिसकी कथा सुनोगा क्या होगा, उसके प्रति स्वाभाविक रूप में तुम्हारे प्रेम होगा जिसकी कथा सुनोगे। इसलिए रुक्मिणी भगवान से पत्र लिखा ना, बोले ठाकुर जी आप मेरे को भी नहीं देखा, मैं आपको भी नहीं देखा, लेकिन नारद जिससे तुम्हारी कथा सुनते 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 तुम्हारी पराक्रम की कथा सुनते सुनते आप तो मेरे रोम रोम में बैठे रहे हो, अगर मैं शादी करूँगी ना आपसे शादी करूँगी, इस जगत में और किसी से मैं शादी करूँगी नहीं, आपको देखा ही नहीं लेकिन कथा सुनते सुनते, आप बताओ अभी तक कोई कृष्ण को देखे हो, आप कोई कृष्ण देखे नहीं देखे, लेकिन हमारे जो ठाकुर का प्रति प्रीति कैसे, उसी कथा सुनते सुनते, केवल उनकी कथा सुनते सुनते आप जिसकी कथा सुनोगे ना बस उसके प्रति तुम्हारा अपने आप प्रेम। अगर ऐसे तैसे संगत में बैठोगे जो हीरो हीरोइन की बात करते हैं, फिर उनकी कथा सुनोगे आप तुम्हारी हीरो हीरोइन की आसक्ति होगा, हम ऐसे हीरो बनना चाहता है, ऐसे हीरोइन एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे संगत में बैठोगे रंग धीरे धीरे उसका रंग ही धीरे धीरे हमारे ऊपर चढ़ेगा है। इसलिए कहते जितने परिमाण में भगवान की कथा सुनोगे उतना परिमाण में ठाकुर का प्रति तुम्हारी प्रीति तुम्हारे प्रति प्रेम होगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रभु तुम जब भगवान के प्रति प्रेम होगी, कहते भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र, तो जब भक्ति करेंगे भक्ति करने पर क्या होगा, धीरे 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 ठाकुर का प्रति परेशान भव, भगवान के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी भगवत अनुभूति होने लग जाएगी, ठाकुर जी की अनुभूति, जब प्रभु की अनुभूति होगी तीसरा में बताया विरक्ति अन्यत्र, तब अपने आप दूसरे वस्तु में विरक्ति अपने आप हो जाएगा। देखो जब तक हम कोई हायर टेस्ट नहीं मिलता है ना तब तक लोअर टेस्ट को हम छोड़ नहीं सकते, जैसे जीवन में गुड़ खाए और कोई मिठाई नहीं खाए, अगर पूछा जाएगा सबसे बढ़िया मिठा तो क्या है, बोल क्या बोलो, इसलिए हर जो बोलता है उसको बोलो बेकार बात है, इसलिए कथा तो सुनते नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया अगर जीवन में गुड़ी जीव जो जीवन में खाए कोई दूसरा मीठा खाए नहीं उसको पूछोगे तो सबसे बढ़िया मीठा क्या है, गुड़ ही बोलेगा, क्योंकि जीवन में कोई दूसरा मीठा जीवन में खाया ही नहीं,
लेकिन जो रसमलाई लेडी की चप चप है जो राबड़ी खाए वो बोलेगा कि फूल कोई मीठा होता है, बेकार चीज है, हैं? खैर इसका मतलब है जब हायर टेस्ट मिलेगा ना तुमको लोअर टेस्ट अपने आप तुम्हारी खत्म हो जाएगी, हैं? इसलिए यहाँ पर तो भगवान के प्रति तुम्हारी आसक्ति चित्तवृत्ति ठाकुर को प्रति जाएगा, अपने आप ये संसार की माया वस्तु की वस्तु में अपनी आप तुम्हारी वितृष्णा हो जाएगी, बेकार चीज है, बेकार चीज है। इसलिए कल मेरे को एक भक्त फोन किया कि माता जी बहुत सेवा करती हूँ, माता जी बहुत सेवा करती हैं और आपका ग्रुप में भी जुड़े हुए और बहुत अच्छी प्रचार करती हैं। उसने तो बहुत भक्तों को उन्होंने भजन में भी बहुत भक्तों को उन्होंने भजन में लाया है। वो कल मेरे को फोन करे कहे कि बोले महाराज जी जब मैंने गुरु जी को ठाकुर के सामने बैठता हूँ तो मुझे रोना ही आता है और कुछ आता है और धीरे 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 संसार के प्रति हमारी और आसक्ति नहीं रहती है, संसार के प्रति और हमारी कोई प्रीति ममता रही नहीं। हम दिन भर चाहता हूँ भगवान का नाम करे, कीर्तन करे, भजन करे, हर समय उसकी कथाएं सुने। इसलिए मेरे को रोना ही रोना। मैंने कहा तुमको बड़ी भाग्यवती, महापुरुष स्वयं कहते हैं दैनम गलत धारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलक निचिंतम पपु कदातम नाम ग्रहण भविष्य। महापुरुष यही कहते हैं, क्या कहते हैं, कब ऐसे दिन आए जो कि तुम्हारे नाम को लेकर के मैं रोने लग जाओ, आंखों से आंसू की झेरी बहने लग जाए, हृदय प्रेम में गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, प्रभु कैसे कब हमारे दिन आए हैं। इसलिए भागवत में कहते तदा स्म सारम हृदय बदतम, अगर भगवान का नाम को लेकर के अगर हमारे हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, आंखों से आंसू नहीं बहती, क्या समझो हमारा हृदय तो पत्थर है, हमारा हृदय पत्थर है हमारे हृदय है। लेकिन जो प्रभु का नाम लेकर के कथा सुन करके जब आंखों से आंसू आने लग जाए, हृदय गदगद हो जाए, समझना हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, हमारी भक्ति धीरे 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 भक्ति हमारी बढ़ते जा रही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं प्रभु जी जत श्रीणोत अपैति रति वितृष्णा, जिस कथा को सुनने से अपने आप संसार का प्रति वितृष्णा हो जाए, संसार का प्रति अपने आप तुच्छ हो जाए, भगवान के चरण में रति बोले सत्वं च शुद्धं च अचिरेण पुंसाम, जिस कथा को सुनते सुनते क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी जो हृदय एकदम पवित्र हो जाए, सत्य मतलब हृदय पवित्र हो जाए, निर्मल हृदय हो जाए। इसलिए कहते भक्ति हरो तत्पुरुषे च सख्यम, क्या होगा भगवान की कथा सुनते सुनते बोले भक्ति हरो तत्पुरुषे च सख्यम, कहते हरि की चरण में भक्ति होने लग जाएगा, भगवान की चरण में भक्ति होने पर क्या बोले तत्पुरुषे च सख्यम, कहते हमारी जो प्रीति किसको प्रति होगी, अगर हमारे हृदय में भक्ति आ जाए ना फिर तो हमारी इधर उधर संग अच्छा नहीं लगेगा। जिस संगत में बैठने पर दुनियादारी की बात है, उल्टा पुल्टा दुनिया बिना फजूल के बात होता है, उसका संग अच्छा ही नहीं लगता। बोले हरे भक्तों क्या होगा, कहते हरि की जो भक्ति के प्रति तुम्हारी रुचि होने लग जाएगी, क्योंकि हरि भक्ति के प्रति रुचि क्या, जब हरि की भक्तों का संग करोगे ना वो हरि की कथा करेंगे, इधर उधर की बात दुनियादारी की बात वो नहीं करेगी, उसकी छोरी चली गई उसके साथ में, उसका बेटा का भोज खराब में लड़ाई हो गई, उसका सास के साथ में बैठती नहीं, ये सब चीज है ना अच्छी उसकी अच्छी नहीं लगी, उसका तो बेकार हमारा समय केवल हमारी बर्बाद जा रही। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हरि भक्तों बल तत्पुरुषे च सख्यम, उसका जो भगवान के जो भक्त है उसको प्रति हमारी सख्य केवल यही अच्छा लगेगा, जहाँ भक्त लोग बैठे चलो वहां पर जाने से ठाकुर की कथा सुनने को मिलेगी, भगवान की कथा से हृदय को शांति मिलती है, हृदय को तसल्ली मिलती है, और दुनियादारी कथा सुना था हृदय में आग बढ़ जाती है, आग बढ़ जाती है। इसलिए तत् भक्त सख्यम तदेव हरि पदम मन्य सच्चे, इसलिए कहते हैं अगर हम ऐसे उपयुक्त है, इसलिए अगर आप सोचते हो, इसलिए क्या करो अब हरि की कथा हमें श्रवण कराओ, हरि की कथा श्रवण कराओ। जब उन्होंने प्रश्न किया है ना इसको सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े खुश हो, श्रोता ऐसे होनी चाहिए, श्रोता अगर सुनने वाले हो ना तो वक्ता को बोल कर खुश होता है, ये कथा सुन करके उनके हृदय में कृष्ण की जो बाल्य चरित्र, कृष्ण की जो मीठी मीठी बाल्य चरित्र उनके हृदय में अपने आप प्रकट होने लग गया। तब यहाँ पर कह रहे हैं
भगवान सर्वप्रथम पुतना को मारे, पुतना को मार करके उन्होंने क्या शिक्षा दिया है? इसमें ये दिखा दिया भगवान के होठ में कितने शक्ति है। कितना कृष्ण को ये पूर्ण भगवान क्यों मानी जाती है? कृष्ण को भगवान राम जो बड़े हुए सबसे पहले मारे तारका को कितना उम्र में मारे? कितना इसलिए कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हुए रामचंद्र जब 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 बड़े हुए जब विश्वामित्र उनको साथ में लेकर गए 11 बारह साल कुछ होगा इस उम्र में भगवान राम ने सबसे पहले उन्होंने तारका को ठाकुर ने मारा। लेकिन कृष्णा जो पुतना कुमारी कितने साल? 6 दिन उनको 6 दिन में उन्होंने पुतना मारी। कृष्ण शिक्षा देते हैं कृष्ण क्यों भगवान ने कैसे खेल खेल में पुतना इतने भय कर दी। देवता जिसको देख कर डर जाते थे सारे देवता लोग बड़ी पराक्रमी थी किशोर इतने शरीर भय सब। लेकिन कृष्ण केवल उनको कितने दिन में? 6 दिन में उनको मारे। इसमें क्या शिक्षा देते हैं? कृष्ण की जो होठ है ये होठ में कितने शक्ति है ये होठ में। उसके बाद में कृष्णा फिर सकटासुर को उन्होंने वध किया है। अभी सकटासुर का था हम लोग श्रवण करेंगे। कृष्ण का जब केवल 3 महीना में उन्होंने सकटासुर को मारा फिर उसको द्वारा क्या शिक्षा दिया उनके चरण में कितने शक्ति। जब 3 महीना के केवल करवट लिया है आज उत्सव हो रहा है और ऐसे मारे पूरा पूरा बैलगाड़ी को पलट दिया है बैलगाड़ी को जिसमें राकेश सवार हो गया था बोले उनकी चरण की ठोकर में कितने शक्ति है। उसके बाद में उन्होंने त्रिणावर्त को उन्होंने मारे त्रिणावर्त को 1 साल में मारे हैं। त्रिणावर्त को जो 1 साल उनको क्या दिखाया भगवान की दोनों हाथों में कितने शक्ति। अभी कथा सुनेंगे कैसे उनको गला दबा दिया तो 1 साल में इतने बड़े दैत्य को उन्होंने मार डाले। उसके बाद में कृष्णा माँ यशोदा को विश्वरूप दिखाए। विश्वरूप जो दिखाए उसमें क्या शिक्षा दिया कहते उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया देखो मेरे कितने ऐश्वर्य है कितने ऐश्वर्य है। बोले यहाँ पर कह रहे हैं जिस समय कृष्ण अवतीर्ण हुए जब कृष्ण केवल 3 महीना हुआ 3 महीना में कृष्ण ने हठात ने करवट ले लिया। जब करवट कृष्ण साधारण घर के नंदा हुआ राजा का बेटा है और ये वृद्धा अवस्था में एक संतान भय हो इसलिए मैया चाहती हैं कोई एक निमित्त बने और घर में उत्सव हो। उत्सव में क्या घर में पहले आप देखा जितने घर में उत्सव होता था ना वही उल्टा पुल्टा डीजे लगा करके डिस्को से आना उल्टा पुल्टा गाना पर कोई नहीं गाते थे। अभी जैसे शादी में उल्टा पुल्टा गाना लगा करके गंदी गंदी पिक्चर के गाना के ऊपर में बोतल पी पी करके नाचते हैं पहले ये सब चीज़ नहीं होती थी। अब जितने बड़े वृद्धवा तो पता होगा ढोल की मजरा लेकर घर घर में ठाकुर का कीर्तन हुआ करते थे। कीर्तन के बगैर कुछ नहीं होता था शादी फादी किसी में भी देखो हर समय ठाकुर का कीर्तन में क्योंकि कुछ भी काम ठाकुर का कीर्तन का माध्यम से करो तो क्या होता है कहते ना मंगल भवन अमंगल हारी मंगलमय होता है। और उल्टा पुल्टा सब है गाने के ऊपर में इसको तक बड़ी मंगल होगा। इसलिए एक संत तो कह रहे थे बोले जैसे बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तुड़वाते हो और इतने जानवर को मारते हो बच्चे का कभी कल्याण होगा? वो कहते थे अगर उसको 100 साल जिंदगी होगा ना उसी दिन 50 साल में उतर आ जाएगा। खुद 50 साल में उतर कर आ जाएगा बच्चा क्यों जिस बच्चे के उद्देश्य में तुमने इतने बोतलें तुड़वाए बोतलें तुड़वाए जाते नहीं हाँ शराब पियो हो और उसका उद्देश्य में इतने तुमने जानवर को मारे हो वो बच्चा का कभी कल्याण हो सकता है? वो कहते तब भी उसका कल्याण नहीं होगा मंगल कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर जब कृष्ण ने करवट लिया भैया को आप खुश हो भैया खुश हो गए आज घर में है लाला जी कल्याण के लिए आज घर में हम सब के सब ठाकुर जी को भजन गाएंगे। उसने सब के सब अड़ोसी पड़ोसी जितने माताएं थी सबको बुला दिया आज घर में सब के सब आओ लाला ने करवट लिया है इसके उद्देश्य करते हुए घर में आज भजन कीर्तन घर में होगा। मैया ने किया कि लाला करवट लेने पर उन्होंने कहते उसको उत्थान कहते उत्थान अभी कृष्ण करवट लिए है उत्थान कहते उसी दिन उन्होंने क्या क्या कृष्ण को उन्होंने स्नान किया अभिषेक करवाए गोमूत्र गोबर से उनको अभिषेक करवाया अभिषेक करा के कृष्ण को अभी स्नान कराने के बाद देखना बच्चों को नींद आती है और मैया यशोदा का आंगन बहुत बढ़िया आंगन थी
उन्होंने आंगन की एक कोने में एक बैलगाड़ी था, जिस बैलगाड़ी के ऊपर में सारे सामान रख दूध दही रखा हुआ था। उन्होंने कृष्ण को लेकर उसको नीचे दूर में लेटा दी। बोले क्यों, अभी गोपियां अगर कीर्तन करेगी, कीर्तन करेगा तो उसको कच्चा नींद टूट जाएगा, तो अभी मैं बच्चे को संभालूंगा ना, इनको संभालूंगा। अभी घर जब माता आए कीर्तन करेगी, किसको कुछ देना होता है, उनको कुछ पान कुछ तेल कुछ सिंदूर कुछ कुछ देना पड़ता है, सबको देना है, इसलिए अभी ये बच्चे को संभालो ना, अभी इनको संभालो, इसलिए उनको उन्होंने दूर में लेटा दी। और गोपियों ने बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी का कीर्तन गा रहे थे। जब कीर्तन गा रहे थे, अभी कीर्तन सुनकर के कृष्ण की कच्चा नींद खुल गई। जब खुल गई, अभी कृष्ण सोचा भैया मेरे उद्देश्य में कीर्तन, और मेरा ही कीर्तन हो रहा है, मेरा ही कीर्तन, मेरे उद्देश्य में कीर्तन। अभी कृष्ण चाहते है भैया ये कीर्तन का मैं भी तो आनंद लू। एक भजन गाते है ना, सुंदर लाला सचिरा दुलाला नाच सती हरी सुंदर लाला सचिरा दुलाला नाच सती हरी। भगवान का कीर्तन होना, चैतन्य महाप्रभु भी जब छोटे बच्चे थे अगर कहीं माताएं कीर्तन करते हैं, महाप्रभु बड़े सुंदर थे, घर घर में जब जाते थे भक्त लोग उनको महाप्रभु दर्शन करके उनको हाथ में बंगाल में संदेश, नवद्वीप गए हो, कौन कौन नवद्वीप गए, वहां का संदेश खाया कि मिठाई खाए, इसलिए वहां का मिठाई का एक अलग आनंद है, उसका स्वाद ही अलग है। इधर की आपका रसगुल्ला भी खाओ, इधर संदेश खाओ, इतना स्वाद नहीं वहाँ के जो रसगुल्ला में जो स्वाद, और उधर का जो संदेश में जो स्वाद, अलग उसका स्वाद है। वो गैया का दूध से बनती है, गैया के दूध से, और उसको बनाने का एक तरीका भी एक अलग अलग है। अभी महाप्रभु हाथ में सबके सब संदेश देते थे, लेकिन महाप्रभु नहीं खाते, छोटे बच्चे नहीं खाते थे, बोले नहीं खाते थे, क्या करते थे, जहाँ पर माताएं कीर्तन करती थी ना वहाँ पर चले जाते थे। और जब माताएं पूछती थी निवाही तो यहाँ पर क्यों आए, बोले अभी मैं तो बुला रही थी ना तुम लोग, बोले हम कब तेरे को बुला रहे, बोले अभी कीर्तन कर रहे थे ना। जो कीर्तन मतलब क्या है, भगवान को बुलाना है, कीर्तन मतलब है ठाकुर जी को बुलाना है, कीर्तन मतलब है, बोले अभी तुम लोग मेरे को बुला रहे थे ना। महाप्रभु मिठाई लेकर क्या करते हैं, सब जो कीर्तन करते हैं उनको देते हैं, इसका शिक्षा देते हैं, जो मेरे कीर्तन करता है मैं खूब मिठाई खिलाता हूँ। अभी भी जब हम घर घर में जाते हैं भक्त लोग क्या खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उन लोगों को फल मिठाई खिलाते हैं, महाप्रभु ने सिखा दिया। इसलिए कीर्तन करना मतलब भगवान को बुलाना। अब ये कीर्तन कर रही थी, कीर्तन कर रहे थे, जब ठाकुर जी ने सोचा भैया ये कीर्तन का आनंद मैं भी थोड़ा लूं। लेकिन कृष्ण की उम्र कितना, अभी 3 महीना, घुटन पर भी ठाकुर को चलना नहीं आता है, लेकिन कृष्ण आना चाहते हैं, अपना कीर्तन में आना चाहते हैं कृष्ण। अभी कृष्ण ने देखा अगर मैं थोड़ी सी जोर जोर से रो लू ना, हो सकता है मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी। इतने में कृष्ण रोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन मैया तो लेन देने में लगी हुई थी, ये उत्सव कितना जल्दी से घर में तुम्हारे उत्सव हो, हर घर का जो मालिक है नहीं हो कितना चिंता हो, सब लोग आए कैसे, सबको प्रसाद हो कैसे, ये जल्दी जल्दी निपट जाए, किसको असम्मान नहीं हो, टाइम पर निपट जाए, इसलिए मैया तो एकदम काम में व्यस्त हुई थी है? लेकिन इसी वजह से कृष्ण जो इतने जोर जोर से रो रहे थे, अभी कृष्ण के कान में मैया की रोने का आवाज माँ की कान में पड़ी नहीं। कृष्ण ने रो रो कर थक गए, बोले इतना तो रो लिया और कितना रो बताओ है, तभी मैया मेरे को यहाँ से उठा करके ले ही नहीं जा रही है। इतने में कृष्ण सोच रहे हैं रुद्राक्ष, इसलिए मैया की अवधारणी खूब कृष्ण को भूख भी लग रही है, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ऐसे ठोकर मारना नहीं ये गाड़ी में है, मेरे को अलग अलग लेटा दिया कीर्तन, मेरे उत्सव मेरे अलग अलग लेटा दिया और वहां पर मस्त है, ऐसे में ठोकर मारना ना सब पता लगा दूंगा। इतने में क्या आ गए, कंस ने भेज दिया, किसको भेज दिया, कृष्ण कंस को उन्होंने भेज दिया सकटासुर को। ये सकटासुर कौन था, बोलिए पूर्व जन्म में हिरण्याके का बेटा भी उत्कच था। एक दिन लोमर्ष ऋषि की एक सुंदर बगीचा थी फूल फल से, उसका अंदर में घुसे सबको उन्होंने उजाड़ दिया है,
इतने में ऋषि को क्रोध आया, बोले दुष्ट, इसलिए भगवान तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए ठाकुर जी के संतों की बात को उजाड़ने के लिए, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तेरे इतना अभिमान, तेरे शरीर नहीं रहेगा, हे अभिशाप देते, धीरे धीरे शरीर गायब होने लग गया और जो नशा थी ना सारे नशा उतर करके आ गया, धीरे धीरे देखा शरीर गायब होते जा रहा है। ऋषि के चरण में गिर पड़े, हुए प्रभु अपराध हो गया, माफ कर दो, संत बड़े दयालु हैं, ठीक जा, कि राक्षस ये शरीर विहीन होकर के रहोगे, कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे कृष्ण का चरण किस स्पर्श से तेरे उद्धार होगा। इतने में सकटा सुर आ गए, कृष्ण तो लेट हुए थे, ऊपर देखा कृष्ण देख कर बोले मामा आ गए, क्यों कंस मामा लगते हैं और उनका संबंधी सब मामा है, बोले मामा आ गए जरूर ना कुछ करेंगे। इतने में उसने तो सकट, उसने जो बैलगाड़ी के ऊपर उसने सवार हो गया, सोचा धीरे 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 अगर मैं इस पर दबा दूं बात दब जाएगा तो कृष्ण नीचे पीस जाएंगे। इतने में कृष्ण ने किया कि अपना जो कोमल जो चरण था धीरे धीरे उन्होंने हिलाया, हिलाते हिलाते कृष्ण ज्यादा कोई परिश्रम नहीं किया, केवल हिलाते हिलाते एक चरण केवल लग गया बैलगाड़ी, बताया ना कृष्ण का चरण में कितनी शक्ति है, और दूसरे दूसरे भगवान को दैत्य को मारने के लिए कितना क्या कष्ट करना पड़ा, लेकिन ठाकुर जी कृष्ण इसलिए पूर्ण ब्रह्म है, केवल थोड़ी सी इशारा से ही वो बैलगाड़ी एकदम पलट गई और जो बीच में जो उसका ये होता ना लकड़ी होता है टूट गई, और जितने उसके ऊपर दूध दही सब कांसा के पात्र में रखा हुआ था, तो कांसा का पात्र में सब के सब बिखर गया, टूट फूट करके सब इधर उधर हो गया। जब इधर उधर हो गया वहां पर गोपियां कीर्तन कर रही थी, हटा जब आवाज सुनी, भले तो आंधी तूफान कुछ नहीं, ये तो पलटी तो पलटी गई, सब के सब भागते भागते आए। जब भागते भागते आए वहां पर बच्चों ने ये सब देखा था, कृष्ण के जो छोटे छोटे सखा लोगों ने ये चीज को देखा था, कृष्ण के चरण के ठोकर से गिरा है, उन लोगों ने तो तोतली तोतली बोली से बोले, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ, बोले फालतू भाई मेरा बेटा अभी आज दिन करवट लिया है, छोटा सा बच्चा और इसको प्यार से ये गाड़ी कैसे पलट सकती है, लेकिन मैया के इस विषय पर उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर मैया ने फिर कृष्ण को लेकर के उनको ऐसे लगा कोई अलाय बलाय तो नहीं हो गई, कोई भूत प्रेत तो कोई इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, फिर सब सोचे ठाकुर जी ने हमारे लाला को बचा दिया है, ठाकुर जी ने लगता है कोई राक्षस भाग से आया था उत्पटन करने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से लाला की प्राण रक्षा हो गया। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जो उन्होंने ये लीला की है, यहाँ पर श्री विश्वनाथ सगर ठाकुर कह रहे हैं कत भगवान जिस समय उन्होंने बामन अवतार धारण किया, उनका चरण कहाँ से कहाँ कहाँ तक पहुंची, एक चरण में तो उन्होंने पूरा पृथ्वी को नाप लिया है, दूसरे चरण में उन्होंने भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक तो उन्होंने नाप लिया, केवल दो चरण में विश्व ब्रह्मांड को ले लिया था, लेकिन कृष्ण यहाँ पर केवल कृष्ण तीन महीना के कृष्ण शरीर नहीं बढ़ाया, शरीर नहीं बढ़ाया जैसे के तैसे, कब जिस समय भगवान नरसिंह अवतार लिया, जिस समय प्रहलाद महाराज को पूछे बताओ तेरे भगवान कहाँ है, बोले बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ बताओ, कण कण में मेरे प्रभु विद्यमान, बोले खंभे में क्या है, बोले खंभे में है, बोले पहले तेरे ठाकुर को दिखाऊंगा तेरे को बाद में दिखाऊंगा, मारे मुष्टि का घात खंभा फट गया और साक्षात नरसिंह देव प्रकट हो गए, बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए कहते जब नरसिंह अवतार उन्होंने धारण किया है, कहते उसी समय में उन्होंने कितना बड़ा लीला की, नरसिंह अवतार में कितना बड़ा, लेकिन जब कृष्ण अवतार में इतना छोटा सा बच्चा आज ने करवट लिया, बस इससे ही काम हो गया, इससे ही चरण की ठोकर लिया। क्या कहते हैं कृष्ण क्यों भगवान है, इसलिए इतने छोटे अवस्था में भी कृष्ण उन्होंने उनको वध कर डाले है, कैसे कंस है, इसलिए कंस को मारते समय भी कृष्ण ऐसे किए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर कहते वैष्णव तोषणी में यहाँ पर कह रहे हैं प्रविष्ट इसलिए बालक इसलिए यहाँ पर सब ब्रज गोप यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहते ये लगता है ये बालक के ऊपर में कोई ग्रह स्या कोई बालक के ऊपर कोई ग्रह का आक्रमण आज था, लेकिन ठाकुर को कृपा से मानो वो ग्रह दूर हो गया, इधर आ जाता ग्रह दूर हो गया और हमारे लाला का प्राण रक्षा हो गया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मणों को बुला करके बोले उनको फिर स्वस्ति वाचन करवाया,
स्वस्ति वाचन करा के उनको पूजन करवाए, पूजन करा के फिर उन्होंने वहां पर कहते गोपगण आश्रय प्रधान लक्ष्मी अधिष्ठा, कभी जो बैलगाड़ी है, कभी ये बैलगाड़ी क्या है गोपों का, कभी ये बैलगाड़ी उनका मूल धन, क्योंकि गाड़ी के ऊपर में सब सामान को गोप लोग ले जाते हैं, इसलिए मानो इसको परमेश्वर लक्ष्मी को रख करके उस बैलगाड़ी के ऊपर ले जाते हैं, और बैलगाड़ी टूट गई इसको अमंगल मानते हैं, इसलिए उन्होंने पुनः बैलगाड़ी को उन्होंने पूजा करवाया, ब्राह्मण गण को ला करके उन्होंने स्वस्ति वाचन बढ़ाया है। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं ये लीला के द्वारा ठाकुर जी क्या शिक्षा दिया है, ठाकुर जी ये लीला के द्वारा उन्होंने ये शिक्षा देते हैं कि अखिल संपत्ति आमी थाकिते ये सकल संचित वस्तु की प्रयोजन, जैसे उन्होंने चरण की एक ठोकर मारे तो क्या बैलगाड़ी पलट गया, सारे जितने दूध दही सब के साथ तसनस हो गया। यहाँ विश्वनाथ को ठाकुर कहते ये शिक्षा देते हैं जगत में सबसे बड़े संपत्ति क्या है, बोले मैं, मेरे से बड़ा संपत्ति दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए राय रामानंद महाप्रभु जो राय रामानंद को प्रश्न करते हैं धन को अंदर में सबसे बड़ा धन किया है, धनी किया है, धनी में जगत में सबसे बड़े धनी कौन है, हमारे भारत में सबसे बड़े धनी कौन है, मुकेश अंबानी है सबसे बड़े धनी। लेकिन यहाँ पर भगवान प्रश्न कर रहे हैं किसको, राय रामानंद को बता दो जगत में सबसे बड़े धनी कौन है, बोले राधा कृष्ण प्रेम या से बड़ा धनी, जगत में वो व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है जो राधा कृष्ण का प्रेम जिसके पास में, जगत में सबसे बड़ा धनी है। और जगत का जो धन कमाए आंख बंद होते ही सारे धन नहीं रह जाएगी, आगे कोई धन जाने वाले नहीं, लेकिन कृष्ण धन में अगर कोई धनी बन गए प्रभु की प्रेम धन में, इसी जीवन में भी धनी और जन्म जन्मांतर तक वो धनी बनी रहोगे। जैसे श्री हनुमत लाल हैं, राम नाम की जब करते उसी समय भी धनी, अभी भी धनी है, हैं? इसलिए कहते अगर यहाँ पर शिक्षा देते सबसे बड़ा धन मैं हूं, लेकिन मेरे को क्या किया, बैलगाड़ी को नीचे रख दिया, और घर का जो संपत्ति था दूध दही किस काम पर रख दिए, बैलगाड़ी को ऊपर में रख दिया। इसलिए कृष्ण कहते मैं साक्षात धन रूप में रहते रहते और मेरे को तो कर दिया नीचा, और घर का संपत्ति को कर दिया ऊंचा कर दिया। इसलिए कृष्ण क्या किया, बोले ऐसे ठोकर मारना ना सब तसनस कर दूंगा, इसलिए इन्होंने ऐसे ठोकर मारे सब कुछ उन्होंने तसनस कर दिया। इसलिए कोई कोई कथाकार कहते हैं जैसे हम घर में उत्सव करते हैं, हम कहते ना हम घर में कोई उत्सव करते हैं, लेकिन उत्सव उत मतलब होता है निकालना, घर में अगर कोई उत्सव हो रहा है उत मतलब होता है निकाल देना, बोले किसको, बोले अगर मैंने उत्सव से ठाकुर जी को अगर निकाल दिया तो क्या रह जाएगा, सब, सब मतलब होता है मृत शरीर है। अगर भगवान की अगर केंद्र नहीं करके है, संसार में तो यही करते ना, दुनियादारी को बचेगा, बर्थडे हो गया, शादी हो गया, सारा दुनिया को बुलाएंगे, सारा सबको साड़ी देंगे, सबको कपड़ा देंगे, सबको सम्मान करेंगे, लेकिन ठाकुर जी घर में बैठे उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए कोई कपड़ा कपड़ा कुछ नहीं, बच्चे का बर्थडे होगा तो पता नहीं सब लोग एक एक नया नया कपड़ा बच्चे को देंगे, लेकिन ठाकुर जी के लिए कपड़ा बनाने के लिए कोई उनको साल ग्रह आ गया, नहीं तो जन्माष्टमी राधाष्टमी आ गया, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, अरे ठाकुर का 10 जोड़ी है क्या जरूरत है, लेकिन अपना बेटे का दो कितना जोड़ी, अपने बेटे का दो कितना जोड़ी कपड़ा घर में रखा हुआ, लेकिन बर्थडे आज कभी हम नहीं आए। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं पहले ठाकुर जी को, पहले ठाकुर जी के लिए करो, फिर बाद में दूसरे के लिए करो। ठाकुर को जितने सुंदर श्रृंगार करेंगे, ठाकुर को जितना सुंदर सजाएंगे, हम अपने आप सज जाएंगे। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं, अपना शरीर को अच्छे तरह सजा लो, बढ़िया से सजा करके शीशा के सामने खड़े हो जाओ, आप देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे ना परछाई वैसे सज जाएगी, ये परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, क्या करो अपना शरीर को ठीक से सजाओ। इसलिए मूल कौन है, बोले ठाकुर की है, हम ठाकुर को जितने सुंदर श्रृंगार करेंगे, ठाकुर को जितना सुंदर सजाएंगे, क्या होगा, हम तुम अपने आप सज जाओगे हैं। लेकिन ठाकुर को नहीं सजा करके ये टाटी बैसा फूल पीक शरीर को अगर दिन भर इसको सजाते रहोगे, इसको खिलाते पिलाते रहोगे, बस ऐसे खत्म, शरीर छूट गया था, टाटी पेशाब फली है। इसलिए किसको सजाओ,
भगवान को सजाओ, ठाकुर को सजाओ, भगवान सजेगे तो मूल वो सज जाएगा, तो आप अपने आप सज जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ये लीला को करा, ठाकुर जी ये शिक्षा दिया है। ठीक है, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की हरे कृष्णा। कल एकादशी है, कल एकादशी है और क्लास क्लास है ना, इसलिए कल सबको अपना बच्चों को लेकर जाना, और एक एक माता है, दस दस माता भी है, सब बच्चों को सब, हाँ ये जितने बच्चों लोग कल आएंगे, ठीक है ना, और कापी पेन लेके जाना, ठीक है, कापी पेन, और प्रभु जो क्लास देंगे उसको अच्छे तरह से नोट करना, नोट करके फिर उसको आगे बढ़ाना, अच्छे तरह से नोट करना, ठीक है ना, नोट करके अच्छे तरह से नोट करके